हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फिक्स्ड सेविंग्स प्लान की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको फिक्स्ड सेविंग्स प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित समृद्धि प्लस प्लान की डिटेल को समझेंगे। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इस प्लान में आपको बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा। जैसे कि यूलिप प्लान में आपका प्रीमियम इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, वैसा यहाँ पे नहीं होगा, जिससे आपको लाभ यह हो जाता है कि आपको जो भी रिटर्न यहाँ पे मिलना होता है वो गारंटेड होता है आपके प्रीमियम पे, और प्लान लेते वक्त आपको पता होता है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस है, इसलिए पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहता है, यानी कि दुर्भाग्यवश अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दे दिए जाते हैं। किस तरीके से बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे आगे चल के समझेंगे। अभी हम बात करते हैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित समृद्धि प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप निश्चित समृद्धि प्लस प्लान लेना चाहते हैं तो 0 से लेकर के 65 साल के व्यक्तियों के लिए प्लान उपलब्ध है, और 18 से लेकर के 100 साल तक की आयु सीमा रखी गई है मैच्योरिटी एज लिमिट की। पॉलिसी टर्म के जानना है आपको तो आपको क्या करना होगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म में डेफरमेंट पीरियड जोड़ना होगा और इनकम पीरियड जोड़ देना होगा। डेफरमेंट पीरियड के दो ऑप्शन है, 1 साल या 2 साल, राइट। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर 12 साल तक तो आपको मिल जाता है। बात आती है इनकम पीरियड की, तो वो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल का मिलता है, वो अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं। बात करें मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की, तो सालाना 1,00,000 रुपए का कम से कम आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अधिकतम लिमिट डिपेंड करती है आपके ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अप्रूव करती है। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन लेंगे या डिस्टेंस मार्केटिंग के थ्रू लेंगे तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। ओके जी, अब हम बात करेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित समृद्धि प्लस प्लान के बेनिफिट की डिटेल के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट इसमें आपको मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक या इनकम बेनिफिट भी कहते हैं। जो सर्वाइवल बेनिफिट है, इसे जानने के लिए आपको गारंटेड एनुअल इनकम जो रेट है उसका गुणा करना होता है सालाना प्रीमियम में। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है आपका, यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है, वो 5% की साधारण दर से बढ़ता रहता है थ्रू आउट द इनकम पीरियड। गारंटेड एनुअल इनकम रेट डिपेंड करता है आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और आपके प्रीमियम के ऊपर, ठीक है जी। मैच्योरिटी बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है सम अश्योर्ड मैच्योरिटी, जो कि आपकी सालाना बेस प्रीमियम का प्रीमियम पेमेंट टर्म से गुणा करने पे निकल के आता है, ठीक है जी। थर्ड बेनिफिट है इसमें डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के रूप में आपको क्या मिलता है, एक गारंटेड बेनिफिट मिलता है जो कि आपके सालाना प्रीमियम का 11 गुना होता है, या फिर डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है टोटल पेड प्रीमियम में। जो भी अमाउंट ज्यादा होता है वो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दिया जाता है। बात आती है डेथ बेनिफिट फैक्टर की, अगर 5 साल या 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो डेथ बेनिफिट फैक्टर होगा 105%, अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो डेथ बेनिफिट फैक्टर होगा 145%, अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चुनते हैं तो डेथ बेनिफिट फैक्टर अप्लाई होगा 150% का, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम का 150% मिल जाएगा अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो, ठीक है। अब एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्लान अपने बच्चे के लिए लिया है और उनकी आयु 8 साल से कम है तो पॉलिसी के पहले 3 साल कंप्लीट होने पे या उनकी आयु 8 साल की होने पे ही लाइफ कवर चालू होगा, जो भी पहले होगा उस पे, ठीक है। इस प्लान में आप मैच्योरिटी बेनिफिट को किस्तों में ले सकते हैं, जिसे सेटलमेंट ऑप्शन कहा गया, जो कि आप प्लान लेते वक्त चुन सकते हैं, या पॉलिसी ईयर के कंप्लीट होने से 30 दिन पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टेक्ट करके कह सकते हैं। इस प्लान के अंदर फ्लेक्सी वॉलेट का सुविधा मिलता है, जो कि क्या है कि जो आपको प्लान में गारंटेड इनकम बेनिफिट मिल रहा है वो आप ना लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास इसको कलेक्ट करते रहें, ठीक है, जिसपे आपको एक रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। प्रीमियम बैंड के अनुसार इस प्लान में बेनिफिट आपको मिलते हैं, पहले प्रीमियम बैंड में 1,00,000 से लेकर के प्रीमियम 2,00,000 से कम, अगर प्रीमियम 2,00,000 रुपए से लेकर के 3,00,000 रुपए से कम है तो प्रीमियम बैंड 2, अगर प्रीमियम 3,00,000 रुपए का या उससे ज्यादा है तो प्रीमियम बैंड 3 के अंदर ही आएगा, राइट।
ये क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। हम यहाँ पर रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित समृद्धि प्लस प्लान के बेनिफिट को जानने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। मान रहे हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 10 साल का इनकम पीरियड लिया उन्होंने, 2 साल का लिया डेफरमेंट पीरियड और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया। तो यानी कि जो पॉलिसी टर्म हो जाएगा वो 20 साल का हो जाएगा, राइट। यानी कि 8 साल वो प्रीमियम पे करेंगे, फिर 2 साल वो रुकेंगे, फिर 10 साल का इनकम पीरियड चालू होगा। इस तरीके से 20 साल सालाना 2 लाख रुपए का ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब 8 साल लगातार मान लो उन्होंने प्रीमियम पे कर लिया, उसके बाद 2 साल डेफरमेंट पीरियड के रुके, यानी कि टोटल हो गए पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट, तब जाके इनकम बेनिफिट पीरियड यहाँ पे चालू होगा, ठीक है। अब जो इनकम बेनिफिट फैक्टर है वो प्रीमियम बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको बताया था 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 2 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया, 30 साल की आयु है, तो गारंटेड एनुअल इनकम रेट जो है वो 74.76% का है। अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है, या कहें कि गारंटेड एनुअल इनकम है, जिसे मैंने GAI लिख दिया है, उसके रेट का आप गुणा कर देंगे सालाना प्रीमियम में, फिर उसका 5% इनकम बेनिफिट बढ़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पॉलिसी ईयर, एज ऑफ लाइफ अशोर्ड, सालाना प्रीमियम, फिर सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि इनकम बेनिफिट, यानी कि गारंटेड एनुअल इनकम, फिर मैच्योरिटी बेनिफिट, ये ऑप्शन आ रहे हैं। पॉलिसी के 8वें साल पे इनकी आयु हो जाएगी 37 साल, 2 लाख का ये प्रीमियम पे कर लेंगे, उसके बाद 9वें साल 10वें साल पे रुकेंगे, जब ये 40 साल की आयु को प्राप्त होंगे तब इनको इनकम बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए का 74.76%, जो कि 1,50,520 रुपए का अमाउंट होगा। अब 41वें साल पे क्या होगा, 1,49,520 में इसका 5% आप निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, जो कि 7,476 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। यानी कि 41वें साल पे इनको अमाउंट मिलेगा 1,49,520 जमा 7,476 रुपए, जो कि हो जाएगा 1,56,996 रुपए। फिर जैसे ही ये 42 साल के होंगे, 1,56,996 में 7,476 रुपए जोड़ देंगे तो 1,64,472 रुपए इनको मिलेंगे। फिर 1,64,472 में फिर से आप 7,476 रुपए जोड़ देंगे, जो कि गारंटेड एनुअल इनकम का 5% है। तो 43वें साल पे इनको 1,73,948 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तब आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो 5% जो इंक्रीजिंग रेट अप्लाई हो रहा है, जो पहली जो गारंटेड एनुअल इनकम का इंस्टॉलमेंट है, उसी का 5% निकाल के हर बार जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे ही बीमा धारक की आयु 47 साल की होगी पॉलिसी के 18वें साल पे, तो 2,01,852 रुपए और पॉलिसी के 20वें साल के अंत में 2,16,804 रुपए का इनको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसी के 20 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, इनको यहाँ पे फिर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, सालाना प्रीमियम में प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर देंगे, तो 2 लाख में 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 8 का गुणा कर देंगे, 16 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। ये मिलेंगे मैंने इसलिए बोला क्योंकि गारंटेड बेनिफिट है, मिलेगा ही। अब डेथ बेनिफिट समझने के लिए मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 15वें साल के बाद हो गई, तो 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो डेथ बेनिफिट फैक्टर कितना अप्लाई होगा, 105%। सालाना 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 2 में हम गुणा कर देंगे 2 लाख में 8 का, तो 16 लाख रुपए हो जाएगा, उसका 105% निकालेंगे तो 16,80,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अब सालाना प्रीमियम का हम 11 गुना निकाल लेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम में बेस उसमें 11 का गुणा कर देंगे तो 22 लाख रुपए, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 22 लाख रुपए अमाउंट ही ज्यादा होगा। यही होगा डेथ बेनिफिट जो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फ्लेक्सी वॉलेट बेनिफिट की। मान लो कि श्रीमान ने जब 44 साल के हुए तब उन्होंने निर्धारित किया इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न में लिख के कि अब वो रेगुलर इनकम बेनिफिट नहीं लेना चाहते, वो चाहते कंपनी के पास रहे और उस पे उनको इंटरेस्ट रेट मिले, राइट। तो ये जो अमाउंट जो इनकी कलेक्ट होती रहेगी गारंटेड एनुअल इनकम की कंपनी के पास, कंपनी फ्लेक्सी वॉलेट करके इनको एक फैसिलिटी दे देगी जिसपे कि इनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, उसमें समय अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं और एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, कितना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी ही बताएगी, राइट। बाकी इसके अलावा बाकी सारे बेनिफिट फिक्स्ड हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे बेनिफिट की कैलकुलेशन करनी है। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें, अगर नहीं तो अपना क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि आपके पूछने पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। आप सभी धन्यवाद।